उसे जो अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, वो जीवन की सबसे बड़ी गलती करते हैं। उसे क्यों? जब हम आंख खोलते हैं तो हमारा अंतर मन जगा होता है। क्या जगा होता है? इंग्लिश में इसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, चित्त कहते हैं संस्कृत में, चित्त। इसकी बहुत चर्चा है शास्त्रों में, इसमें बहुत शक्ति है। जब हम उठे, हमारा अंतर मन पहले 10 मिनट जगा हुआ है, हमने अखबार पढ़ा। अखबार में पहले पेज पे अच्छे न्यूज होंगे या खराब? सबसे खराब पहले पेज पर होते हैं। कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई, इतने मर गए, मिलिट्री पे अटैक कर दिया, 8 जवान मार दिए, ये तो समाचार है पहले पेज पे। अच्छे तो थोड़े अंदर होंगे, तो अंदर में अशांति चली गई, जिसका मनुष्य को पता नहीं चलता। किसी समाचार को पढ़ के अंदर टेंशन चली गई, किसी को पढ़ के चिंता चली गई, किसी को पढ़ के भय चला गया। ये रोज मनुष्य दुख कर रहा है, फिर वो कहता है जीवन सुखी नहीं है। हम सभी बाबा के बच्चे रोज पहले 10 मिनट सुंदर विचारों में बिताएंगे। सुंदर विचार, योग भी छोड़, सुंदर विचार। कैसे? उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग की, फिर सच्चे मन से कहना, हाथ ऊपर कर सको तो ऊपर करना भी नहीं सदे। अगर आपके घर में ऐसा मौका हो, अगर ना हो तो मत करना, नहीं तो लोग कहेंगे सगरे उठे जा कर। कोई अकेले रहते हो तो डांस करना। कैसे? बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बार बार शुक्रिया। खुल जाएगा आपका दिमाग, यहाँ नसें जो सिकुड़ गई है ना टेंशन से, चिंताओं से, सब खुल जाएगा। बाबा आपने मुझे दिया था, कुछ माताओं को तो नहीं दिया। सच्चे मन से आवाज करना, मांगने की जरूरत नहीं। बाबा मैं गरीब हूं, मुझे धन दो। बाबा कहेगा मेरे पास 9 रुपए आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बार-बार शुक्रिया। इसका जादू देखना, इन संकल्पों को भी जादू है। ध्यान से सुन लेंगे, जो दूसरों को अच्छा ज्ञान देते हैं वो ध्यान से सुन लेंगे। जब आपने ये संकल्प किया, दूसरा संकल्प ले रहे हैं, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगी बात। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। खुले मन से 5 बार कह देना, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। तो क्या होगा? ये तरंगे फैल जाएंगी पूरे ब्रह्मांड में। आकाश सुनेगा, चांद तारे सुनेंगे, प्रकृति सुनेगी। क्या आवाज सुनेगी? ये तरंगे फैलती और रिएक्शन होगा प्रकृति के और हमारी तरंगों के बीच में, और भाग्य को लेकर वापिस हमारे पास आ जाएंगे। समझ लिया सिद्धांत? न समझाओ तो दूसरी बात। तीसरा संकल्प करना, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत सुखी। 5 बार करते हैं। अब ये तरंगे फैली चारों ओर, प्रकृति से इनका रिएक्शन हुआ। रिएक्शन समझते हैं? रिएक्शन माना प्रतिक्रिया होती है। जैसे आपने पानी में नमक मिला दिया, दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो पानी कैसा हो गया? नमकीन। आपने नींबू निचोड़ दिया तो रिएक्शन हुआ, पानी हो गया खट्टा। सो रिएक्शन कहते हैं। तो हमारी ये तरंगे प्रकृति में गई, रिएक्शन हुआ, मिलन हुआ दोनों का, भूल गई दोनों, और सुखों की आपके ऊपर बरसात होने लगेगी। यही ठीक गलत संकल्पों में भी होगा।
और सारा दिन सोचते हैं, सवेरे से हम सोचते हैं बहुत दुखी हूँ बाबा, मेरे दुख दूर करो, मैं बहुत दुखी हूँ। इसी तन के निकलने पूरे ब्रह्मांड रात के ऊपर दुखों की बरसात होने लगी। इसलिए अगर कोई दुखी है, परेशान है, चिंताओं में है, उसका जिम्मेदार वो। क्लियर है सभी को?